आप सभी को विशाल एंड कंपनी की ओर से उत्तराखंड के लोक पर्व इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशाल एंड कंपनी ऑथराइज डीलर हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर स्पेयर पार्ट्स ऑफ ऑल मशीनरी कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स ऑन रेंट। विशाल एंड कंपनी 11 अशोक विहार नियर सूर्या हॉस्पिटल हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव की आखिरी शाम लोक गायक किशन महिपाल के गीतों से झूम उठी। भारी संख्या में दर्शक जनजातीय महोत्सव में पहुंचे, जहां न सिर्फ उन्होंने हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखी बल्कि किशन महिपाल के गानों पर भी जमकर ठुमके लगाए। लोक गायक किशन महिपाल के स्टेज पर आते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने जोरदार तालियों से किशन महिपाल का स्वागत किया। इस दौरान किशन महिपाल ने अपने कई गीत गाकर माहौल का समा बांध दिया। पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है जो हमारे उत्तराखंड के जो जनजातीय जो कलाकार हैं, जो वहाँ की धरोहर है, जो वहाँ के संस्कृति है, उसको दिखाने का एक बड़ा बहुत अच्छा प्रयास किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, माणा से। तो जगह जगह के लोग आ रहे हैं, जैसे उड़ीसा से भी मैंने देखे हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी, जहाँ के भी जितने भी थारू बोक्साइज जितने भी जनजातीय हमारे उत्तराखंड में, सबकी संस्कृति को एक साथ देखने एक मंच पे पिरोने का प्रयास है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। किंगरी का झला घुगुती पंगरी का डाला घुगुती ले घुर घुरांदी घुगुती ले फूर उड़ांदी घुगुती के टक लगांदी घुगुती के रंग पिंगांदी घुगुती के देश की होली घुगुती देश बई घुगुती किंगरी का झाला होए होए किंगरी का झाला घुगुती पंगरी का डाला घुगुती ले घुर घुरांदी घुगुती ले फूर उड़ांदी घुगुती। वहीं जहां किशन महिपाल के गीतों से महोत्सव की आखिरी शाम रंगीन हुई, तो वहीं उत्तराखंड जनजाति के अलावा अन्य राज्यों से आए जनजातीय कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महोत्सव में कई राज्यों से हस्तशिल्प कलाकारों को स्थानीय उत्पाद बेचने के लिए एक बेहतर मंच दिया गया। यहां लगे विभिन्न स्टॉलों में वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश के अलावा कुमाऊं के लोगों ने अपने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। दुकानदारों ने बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें इस मंच के मिलने से बेहद खुशी हुई है और यहाँ आकर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। मैं यही रेशम विभाग प्रेमनगर देहरादून से ही है और हमारा जैसे काम है इसी को थोड़ा करते हैं, तो लोगों को जैसे रोजगार देने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। जैसे यहाँ पे स्थानीय उत्पाद, क्योंकि हम देख पा रहे हैं शॉल वगैरह है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे? हमारा शॉल ही है, यही शॉल स्टॉल मफलर यही चीज़ें हम बनाते हैं यहाँ पे ज़्यादा करके। कुछ अब साड़ी सूड़ी की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़े साड़ी सूट भाई यही चीज़ ज़्यादा करके बनाते हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का यहाँ पर? लोगों का तो ठीक ही है यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है। मैं हूँ तो देहरादून से, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ वो उत्तराखंड आर्ट के ऊपर कर रही हूँ। उत्तराखंड आर्ट हमारी जो कुमाऊँ की आर्ट है एप्पल, उस पर हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको हम बैग्स में ला रहे हैं, कपड़ों में ला रहे हैं, जिससे हम चाह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो आगे जाए, हमारा कल्चर है, हमारे बच्चों को पता हो कि हमारी उत्तराखंड आर्ट है क्या। क्योंकि मोस्टली उत्तराखंड के लोगों को तो पता है कि एप्पल क्या है, लेकिन कई बार जो बाहर के लोग आते होते, कई लोगों ने मुझे यहाँ पर आके पूछा एप्पल है क्या। तो अब मैं चाहती हूँ कि हमारी उत्तराखंड की जो स्टॉल हर जगह लगेंगी पूरे भारत में, तो सबको पता होगा एप्पल क्या है। जैसे आप देख रहे हो सारी आर्ट होती है, मधुबनी होती है, अलग अलग स्टेट की आर्ट होती है, सबको पता है। तो मैं चाहती हूँ हमारी स्टेट की आर्ट भी लोगों को पता चले। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव के 3 दिन काफी शानदार रहे। यहाँ आकर लोग न सिर्फ विभिन्न जनजातियों से रूबरू हुए बल्कि उन्हें स्थानीय उत्पादों को देखने और खरीदने का भी एक बेहतर मंच मिला। वास्तव में इस प्रकार के मंचों का समय समय पर होना बेहद जरूरी है, ताकि कलाकारों को मंच मिल सके और स्थानीय उत्पादों को बाजार।
संवाद 365 के लिए कैमरा पर्सन राकेश गड़िया के साथ रेणु प्रीति की रिपोर्ट।